Energy Live, a platform to sharing your thoughts. हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण की जितनी जरूरत है उतनी ही ज्यादा जरूरत है पेट्रोलियम को बचाने की। इसलिए भारत सरकार के निर्देशों पर यहाँ पर PCRA और भारत पेट्रोलियम की ओर से एक विशेष आयोजन किया गया। राजधानी जयपुर में जवाहर सर्किल पर यहाँ से एक रैली निकाली गई, साइकिल रैली, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए। करीब 1000 के लोग यहाँ पर, विभिन्न संस्थानों के लोग, भारतीय जो पेट्रोलियम है उस कंपनी के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर शामिल हुए और इस रैली को रवाना किया DCP डॉक्टर राहुल जैन ने। इस मौके पर PCRA के डिप्टी डायरेक्टर दीपक गुप्ता हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या उद्देश्य और किस तरह का ये आयोजन रहा। दीपक जी, देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पर्यावरण की बचत हमें करनी है, हमें पर्यावरण के प्रति सचेत रहना है और हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा। जैसा कि दिल्ली में हाल हुआ, अभी आप लोगों ने देखा, दिल्ली में जीना दुश्वार हो गया, बड़े बुजुर्गों का वहाँ सांस लेना दुश्वार हो गया। ये चीज़ हम हमारे जयपुर राजस्थान में नहीं आने देना चाहते। हम यहाँ पहले से ही लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि बर्न फैट करें, नॉट फ्यूल, क्योंकि फ्यूल जब हम बर्न करते हैं तो इसके पर्यावरण के दुष्परिणाम के साथ साथ हमारे देश का जो डेवलपमेंट रेट होता है उसमें जो फॉरेन रेवेन्यू हमारा इस्तेमाल होता है वो हम इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट के माध्यम से हम विदेशों को दे देते हैं और जिसका हमारे को कोई प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलता। इस रैली के माध्यम से, इस साइकिल रैली के माध्यम से हम लोगों को ये जागरूकता दे रहे हैं, इस अवेयरनेस को कैंपेन के थ्रू चला रहे हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग का प्रयोग करें, अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखें, फिट रखें और साथ ही अपने देश के आने वाले भविष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। भारत पेट्रोलियम के रिटेल स्टेट हेड संजय चौबे भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इनसे जानेंगे क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। आज की इस सक्षम साइक्लोथन रैली में भारत पेट्रोलियम ने काफ़ी संख्या में बच्चे और हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, उनके स्टाफ, तेल उद्योग के सभी ऑफिसर और जो यहाँ के डॉक्टर राहुल जैन जो पुलिस DSP हैं वो यहाँ पर इस साइकिल रैली को इनॉग्रेट करने के लिए आए थे। इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो हम अपने जो नई जनरेशन है उनको हम लोग फिट बनाना चाहते हैं। छोटी दूरी अगर तय करनी है तो साइकिल से तय करें। इसके साथ 3 फायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि आप स्वस्थ रहेंगे, दूसरा पर्यावरण का आप बचाव करते हैं और तीसरे जो हमारे सीमित संसाधन हैं तेल के उसको हम लोग कम से कम खपत करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए उन संसाधनों का और उपयोग हो सके। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जयपुर शहरवासियों की अपने शहर को स्वस्थ सुंदर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का उपयोग करें ताकि आने वाली जनरेशन खुश रहें और स्वस्थ रहें। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।